क्यूटू, ए क्यूटू, हो काट रहा है, काट रहा है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और कैसे हो आप सब? तो आज बहुत दिनों बाद मैं जा रही हूँ ब्लॉगिंग करने के लिए। कहाँ पे मैं जा रही हूँ? लक्ष्मण सिद्ध मंदिर, और फिर उसके बाद मणिमाई भी वहीं पर पास में है, तो वहाँ पे भी चल लेंगे। फिर देखेंगे कितना कितना टाइम होता है। वैसे तो 12 तो बज ही चुके हैं ऑलरेडी, कुछ रोड पे है। तो फिर उसके बाद फिर देखते हैं हम कैसा कैसा दिन होता है आज का। चलो दिन शुरू किया जाए। तो दोस्तों, मैं घंटाघर से ना होते हुए जा रही हूँ इस टाइम पे सहारनपुर चौक से। और ये चीज़ मैंने ना बहुत टाइम बाद डिस्कवर करी है। मैं पहले पता है जोगीवाला जाती थी, घर घर जाती थी ना अपना, तो मैं पूरा शहर क्रॉस करती हुई चक्राता रोड, कृष्णनगर चौक, ये सब करती हुई जाती थी। लेकिन बहुत टाइम बाद ये डिस्कवर किया कि मैं सीधे सीधे भी तो निकल सकती हूँ जहाँ पे मुझे कोई ट्रैफिक नहीं मिलेगा। मिलता है जो कामली रोड है वहाँ पे, तो नेक्स्ट लेवल के लोग रहते हैं ना, वो दूसरे यूनिवर्स के हैं। उन्हें फर्क नहीं पड़ता कि वो कैसे भी चले, कोई आ रहा है, कोई जा रहा है, कोई कुछ भी कर रहा है, उनको किसी चीज से फर्क नहीं पड़ता। वो जैसे चल रहे हैं वो वैसे ही चलेंगे, चेन बना के ऐसे, तो जो भी है। लेकिन मतलब वो वाला रोड थोड़ा सा टाइम खाता है, बाकी तुम एकदम पहुंच जाते हो। वरना तो भाई किशननगर चौक जाम, ठीक है, उसके बाद फिर तुम्हें वहां पे आगे जाके फिर घंटा घर तुम्हें मिलता है ट्रैफिक, फिर उसके बाद तो मिलता ही रहता है, फिर बुद्धा चौक, आरा घर, सब जगह। तो यहाँ से डायरेक्ट हम लोग फिर वहां पहुंच जाते हैं सीएमआई। तो अभी भी मुझे लक्ष्मण सिद्धि जाना है जोगीवाला से आगे, वो हरा वाला में, तो सीधा सीधा हम वहां पहुंच सकते हैं। तो मैंने डिसाइड किया है कि मैं सीधा वहीं जाती हूँ, मतलब वही वाले रास्ता लेती हूँ दोबारा से। और मैं पंडितवाड़ी वाला रास्ता भी डायरेक्ट पंडितवाड़ी से नहीं लेती, मतलब जो देहरादून के लोग होंगे वो लोग ये चीज समझ पा रहे होंगे, बाकी तो मैं क्यों ही बता रही हूँ ये, मतलब देहरादून के जो लोग हैं वो थोड़ा सा रिलेट कर पा रहे होंगे इस चीज से कि यहाँ पे भी बहुत ज्यादा ट्रैफिक होने लग गया है। बट कोई बात नहीं, चलो। मैं इतना इस साइड वैसे भी आती नहीं, मेरा तो उधर ही सारा काम हो जाता है। तो चलते हैं अभी और आपसे मिलते हैं थोड़ी सी देर में, क्योंकि अगर मैं ऐसे रास्ते का ही ब्लॉग बना लूंगी ना, क्योंकि बोलती तो मैं बहुत हूँ, ठीक है, तो मैं बहुत कुछ बोल सकती हूँ, तो भाई रास्ते का ब्लॉग बना लूंगी तो बहुत लंबा हो जाता है, फिर एडिटिंग करने में मेरी हालत खराब होती है। तो इसीलिए डायरेक्ट वहीं, मतलब थोड़ा बहुत रास्ते में कुछ होगा तो दिखाते हैं, वरना सीधा वहीं जाके ब्लॉग करेंगे। ओके फ्रेंड्स, बाय बाय थोड़ी देर के लिए। लक्ष्मण सिद्ध मंदिर वाली रोड पे, ठीक है, बहुत ज्यादा काटा पीटा ये सब चीजें करी, बहुत इधर उधर घूमी, लेकिन मिल गई। मेरे को पता था ये मतलब रोड मुझे पता है। वैसे देखो मैं तुम्हें बोर्ड दिखाती हूँ, तब देखो ऐसा सा बोर्ड होगा, ये प्रवेश द्वार है लक्ष्मण सिद्ध मंदिर का। अब चलते हैं यहाँ से अंदर। अब बहुत सुंदर रास्ता है तो मैं इसका बना लेती हूँ टाइम लैप्स, और आप टाइम लैप्स देखिए। तो देखो हम लोग मंदिर पहुंच चुके हैं, थोड़ा सा पैच है, मतलब होगा 150-200 मीटर का, उसके बाद आ जाता है मंदिर। भीड़ लग रही है मंदिर में, तो मैं जब आई थी बहुत पहले एक बार शाम के टाइम पे, तो उस टाइम पे यहाँ भीड़ नहीं थी। गाड़ी कहाँ पार्क करी जाए, आगे बुला रहे हैं। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है मंदिर के बारे में सब कुछ,
ये सब आप देख सकते हैं। से मैं आ गई हूँ और एज यूजुअल की मंदिर में अंदर फोटोज खींचना मना था, तो बाहर में थोड़ी बहुत वीडियोस बना ली है और बाकी थोड़ा सा और दिखा देती हूँ आपको यहाँ से बाहर से। मैं गाड़ी में आके बैठ गई क्योंकि बहुत बंदर, और मुझे बंदरों से लगता है बहुत ज्यादा डर, और ये बंदर भी यही करते हैं, इनको पता चल जाता है कौन बंदा हमसे डर रहा है तो उस पर ज्यादा अटैक करते हैं। तो इसलिए मैं गाड़ी में आके बैठ गई हूँ। मैं आपको थोड़ा सा बाहर का दिखाती हूँ कि मंदिर के बाहर कैसा कैसा सीन है, ठीक है? उसके बाद हम लोग चलते हैं नेक्स्ट अपनी डेस्टिनेशन पे। चलो, तो ये देखो, ये बाहर थोड़ा सा कैफे वाला एरिया है, कैफे क्या कहेंगे, होटल्स वगैरह हैं खाने पीने के लिए, आप कुछ ले सकते हैं यहाँ से। ये रहा मेन मंदिर का गेट, श्री लक्ष्मण सिद्ध मंदिर। बाकी स्टोरी मैंने आपको वहाँ पे दिखाई दी है कि क्या स्टोरी है इस मंदिर की। और हर संडे यहाँ पे भंडारा होता है, बाकी पीछे एक थोड़ा सा स्पेस है, वहाँ पे मेला वगैरह होता है क्योंकि लास्ट संडे, जो मंथ का लास्ट संडे होता है, उस दिन यहाँ मेला होता है। बाकी यहाँ पे है प्रसाद की दुकान, है बहुत सारे बंदर हैं यहाँ पे, थोड़ा सा बंदरों से सावधानी रखनी पड़ेगी। बाकी बहुत अच्छी जगह है, जंगल के एकदम बीच में है ये लोकेशन, तो आप यहाँ पे आ सकते हैं। तो ये देखो, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कालू, जय श्री कालू सिद्ध बाबा सिद्धपीठ। सेम गेट वैसा ही है जैसे लक्ष्मण सिद्ध का था, तो अब इसी तरफ, क्योंकि कालू सिद्ध भी इसी तरफ पढ़ते हैं, और इनका जो मतलब क्या कह सकते हैं, क्रोनोलॉजी है इनके पास जाने की, कि ऐसे ऐसे स्टेप बाय स्टेप, पहले ये फिर ये, तो पहले लक्ष्मण सिद्ध, फिर कालू सिद्ध, फिर मानक सिद्ध, फिर मांडू सिद्ध, ऐसे ऐसे करके पूरे करने होते हैं। तो लक्ष्मण सिद्ध हम लोग कर चुके हैं, अब हम लोग जा रहे हैं मानक सिद्ध। मैंने इसलिए अभी रास्ते में ब्लॉग नहीं किया क्योंकि मेरे फोन में बैटरी नहीं है और मैंने चार्जिंग पे फोन लगा रखा है। तो अभी यहाँ से 9 मिनट का रास्ता है आगे, तो अभी हम लोग जा रहे हैं मानक सिद्ध मंदिर, नहीं कालू सिद्ध मंदिर। तो चलते हैं वहाँ पे, वहाँ पे जाके देखते हैं कैसा है। लक्ष्मण सिद्ध मैं पहले आई भी हूँ, मतलब पहले मैं गई भी थी वहाँ पे बहुत पहले, क्योंकि वो घर के पास ही पड़ता है, ऑब्वियसली वाले के पास। यहाँ पे मैं गई थी, ये जो मंदिर है ये भानेवाला चौक आता है, वहां से आपको भानेवाला चौक से जो थानों के लिए रोड जा रही है ना, वहाँ उस रोड पे आपको अंदर आके आपको दिख जाएगा, सीधे सीधे आना है अंदर, फिर एक लेफ्ट लेना है, अपने लेफ्ट आते आपको सामने ये बड़ा गेट दिख जाएगा कालू सिद्ध का। तो चलते हैं मंदिर और फिर देखते हैं आगे आगे क्या होता है। अभी तो फिलहाल आगे से आ रहा है बहुत ही ज्यादा बड़ा ट्रैक्टर, और आगे हमारे कुकुर भी बैठे हैं, डॉगी पिल्लू हट जाओ, ऐसे थोड़ी हटेंगे, ये इनकी रोड है, हम इनकी रोड पे आए हैं। चलो चलते हैं, देखते हैं कितना दूर है कितना अंदर है। मैं बाला सुंदरी लेके गई थी आप लोगों को, वहां भी मैं पहले गई हुई थी, ठीक है, लक्ष्मण सिद्ध लेके गई थी, वहां भी मैं पहले गई हुई थी, ये पहली बार मैं जा रही हूँ यहाँ पे इस मंदिर में, तो यहाँ पे मेरा भी पहला एक्सपीरियंस होगा और आप में से कई लोगों का पहला एक्सपीरियंस होगा, तो आप लोग भी चलिए मेरे साथ। ये देखो, जय श्री कालू सिद्ध बाबा, ये रहा मंदिर, ठीक है, ये देख सकते हैं यहाँ पे आसपास का। यहाँ पे प्रसाद की दुकान मुझे अभी तक तो कोई सी भी नहीं दिखी है जैसे लक्ष्मण सिद्ध में थी, यहाँ पे शायद ज्यादा भीड़ नहीं होती है इसलिए। ये देखो, छोटू सा पिल्लू मिला है हमको, हाय पिल्ली, हाय पिल्लू, क्यूटू,
क्यूट हो, काट रहा है काट रहा है काट रहा है प्यारू। मैं तुम्हें घर लेके चलूं, घर लेके चलूं, वहां पे दो भाई और हैं। देखो यहाँ पे कालू सिद्ध बाबा जी के बारे में सब कुछ लिखा हुआ है। देखो यहाँ पे है कालू सिद्ध बाबा जी का मंदिर, ये रहे। आप भी दर्शन कर लो और मांग लो आपको जो भी मांगना है यहाँ पे बाबा जी से। यहाँ पे वो अखंड धुनी जो जलती है वो जल रही है, और यहाँ से बबूती वगैरह ले जाना, बहुत अच्छा मानते हैं। काफ़ी अच्छे से बना रखा है, वेल मेंटेन्ड है, सब कुछ बहुत अच्छे से। और सबसे बढ़िया चीज़ यहाँ पे जो भी पंडित जी वगैरह हैं वो बहुत अच्छे से बात कर रहे हैं, बहुत अच्छे से बता रहे हैं आपको सब कुछ। और यहाँ पे अंदर हमने उनसे पूछा, उन्होंने कहा कि वीडियोस फ़ोटोज़ लेना अलाउड है, तो इसलिए मैंने यहाँ पे अंदर की वीडियो बना दी थी। अभी वो दो पिल्लू दिखे थे ना, उसका एक भाई या बहन जो भी है वो भी दिखाया अभी। पता नहीं कुछ तो प्रॉब्लम हो रखी है उसको, पेट मोटू सा हो रखा है उसका। तो अभी जो है मैंने आपको दिखाया, हम लोग दो मंदिर आए थे, इनके बारे में मैं सच बताऊं तो मुझे भी इतना कुछ नहीं पता था। वो जो बोर्ड है वही पढ़े, उनको ही पढ़ के पता चला कि क्या स्टोरी थी मंदिर की। तो आप भी उनको पढ़िएगा और अच्छा लगेगा आके। बहुत ज़्यादा पीस है, दोनों जगह बहुत अच्छा है, नेचर के बीच में एकदम, बहुत ही सुनसान है। इवन वहाँ पे लक्ष्मण सिद्ध में थोड़ा सा लोग हैं, भीड़ भाड़ है, क्योंकि वो सिटी के पास है थोड़ा सा, ये थोड़ा सा सिटी से दूर है, तो यहाँ पे शांति है, लोग भी कम हैं, अच्छे से आप बहुत आराम से दर्शन कर सकते हो प्यार से एकदम। तो आप आना यहाँ पे दर्शन करने। और ऐसा कहा जाता है कि जो भी इंसान एक दिन में चारों सिद्ध, देहरादून में चार सिद्ध हैं, लक्ष्मण सिद्ध हैं और कालू सिद्ध है और मानक सिद्ध है और मांडू सिद्ध है, तो ये चारों सिद्ध एक दिन में कोई पूरा कर देता है तो वो जो विश मांगता है उसकी वो विश पूरी होती है। तो मैं भी कोशिश कर रही हूँ कि आज में पूरे हो जाएं। मैं पहले इस तरफ इसलिए आ गई क्योंकि बाकी जो दो मंदिर हैं वो सुद्धवाला की तरफ ही हैं, मतलब उस तरफ ही है, प्रेमनगर सुद्धवाला इस तरफ ही है। तो मैंने सोचा पहले इस तरफ के कवर कर लेती हूँ फिर उस तरफ जाती हूँ। तो ये ब्लॉग बहुत लंबा हो जाएगा, तो वो सब चीज़ें मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में दिखाती हूँ। और बने रहिए ब्लॉग में साथ में, और अगर आपने इतनी वीडियो देख ही ली है तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल लेजिट पहाड़। थैंक यू।